मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी जिला के दौरे के दौरान कांग्रेसियों जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी 5 सालों में लोगों को ठगने के लिए मात्र एक ही योजना तैयार करते हैं और सत्ता में आने पर लोगों की समस्याओं को भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी जिला के दौरे के दौरान एक विधानसभा क्षेत्र के चक्कर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों पर खूब तंज कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी 5 साल में मात्र एक ही प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और वह होता है लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता हथियाने का। उन्होंने कहा कि 5 साल में तैयार की गई इस योजना के तहत यदि सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली जाती है तो 5 साल सत्ता सुख भोगते हुए कांग्रेसी आम जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है, जबकि भाजपा इससे बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा काम करने में विश्वास करती है और झूठे वायदे नहीं करती। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम जो बोलते हैं वो करते भी हैं। उन्होंने कहा कि हम सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं, जबकि कांग्रेस ही इसके विपरीत झूठ पर झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर सत्ता हथियाने के लिए कई हथकंडे अपनाती है। हमारे एक मित्र बोल रहे थे, वो विपक्ष के नेता आज से बोलते लारी लप पे नहीं चलेंगे। मैं लारी लप पे हमारे नहीं चलेंगे, तुम्हारे चलेंगे। हमने तो कभी लारी लप पे की बात नहीं की, हम तो सीधी बात करते हैं। जो करना है वो भी सीधा करना है। हां करनी है तो हां करनी है, ना करनी है तो ना करनी है। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि जनमंच नहीं है, बोलते ये तो हमने चलाया था। बोलते मैं कहा तुमने कब चलाया था? बोलता हमारे जमाने में इसका नाम बोलता प्रशासन जनता के द्वार होता। हमने कहा उस और इस कार्यक्रम में रात दिन का अंतर है। तो मैं वो कांग्रेस के मित्र की अपने मित्र की बात कह रहा था, वो कहने लगा कि भाई कि तुम्हारे यार तुम नई नई स्कीमें बनाते हो, ये करते हो वो करते हो, तो हम तो कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा मुझे पता है कुछ नहीं करते, वो तो हम तो एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या काम करते हैं? हम जब चुनाव आते हैं, नजदीक आते हैं, तब हम स्कीम बनाते हैं। तो मैंने कहा क्या स्कीम बनाते हैं? कि लोगों को ठगा से ठगने की स्कीम बनाते हैं। बोलते तो फिर मैंने कहा फिर उसमें क्या हो? बोलते फिर हम कामयाब लोगों को ठगने में हो जाते तो हमारी सरकार बन जाती है। फिर 5 साल मजे करते हैं, फिर अगली स्कीम 5 साल के बाद बनाते हैं। मतलब 5 साल में एक स्कीम बनाते हैं, वो स्कीम लोगों को ठगा कैसे जाए, गुमराह कैसे किया जाए, उसकी स्कीम बनाते हैं। और सच्ची मायने उसने अपने दिल की बात कही और सच्चाई भी। हम भी इस बात को क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, देश इस बात को जानता है कि वो 5 साल के बाद कोई एक योजना बनाते हैं, लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, ठगा कैसे जाए। बोलते ठगने में, बोलते जब हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारी सरकार बन जाती है, अगर हम फेल हो जाते हैं ठगने में लोगों को तो हमारी सरकार बन जाती है। इतना ही फर्क है, बोलते बाकी कुछ ही नहीं।